नवापारा के कोरोना संक्रमित 4 मरीज अब पूरी तरह से स्वस्थ होकर नवापारा अपने घर लौट आए, जिसके चलते मंगलवार का दिन शहरवासियों के लिए बेहद खुशी भरा दिन रहा। ज्ञात हो कि नगर में सबसे पहले अरिहंत कॉलोनी की 7 वर्षीय बच्ची स्वस्थ होकर घर वापस लौट आई थी। उसके बाद 2 मरीज, जिसमें एक अस्पताल का कर्मचारी व एक सितलापारा का युवक था, और आज दमानी कॉलोनी का रहने वाला चौथा मरीज नूरुल रिजवी अपने घर लौट आया है। इस तरह से नवापारा शहर से संक्रमित पाए गए सभी 4 मरीज सकुशल घर वापस आ गए हैं। बता दें कि शहर में 6 जून को एक साथ 4 पॉजिटिव मरीज सामने आने से हड़कंप मच गया था, जिसमें एक 7 साल की बच्ची भी शामिल थी। इस दौरान लोगों में कोरोना के प्रति दहशत साफ देखने को मिली, लेकिन जैसे जैसे मरीज ठीक होकर वापस लौटते आए, लोगों में आत्मविश्वास भी बढ़ता गया। आज चौथे मरीज के वापस लौटने की खबर शहरवासियों को मिली तो सभी ने राहत की सांस ली। वहीं पड़ोसियों ने स्वस्थ होकर वापसी लौटे चौथे मरीज का जोरदार स्वागत किया, जहां मरीज के परिजन समेत मोहल्ले वासियों ने उन पर फूल बरसाए तो थाली ताली बजाकर भी उनका हौसला अफजाई किया। कोरोना को हराकर लौटे नूरुल रिजवी ने सबसे पहले मोहल्लेवासी समेत नगरवासियों से क्षमा मांगी। उन्होंने बताया कि कोरोना महामारी से घबराएं नहीं, बल्कि इसका डटकर सामना करें, मास्क लगाएं, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, सोशल डिस्टेंसिंग का जरूर पालन करें। उन्होंने मोहल्लेवासियों का हृदय से आभार व्यक्त किया। नगर में एक अच्छे राजनीतिक पृष्ठभूमि होने के चलते उनके हौसला अफजाई करने के लिए नगर पूर्व पालिका अध्यक्ष सरदारजीत सिंह, भाजपा मंडल अध्यक्ष उमेश यादव, जाकिर चौहान, रमेश तिवारी, पार्षद बॉबी चावला, अहमद रिजवी सहित बड़ी संख्या में उनके प्रशंसक उपस्थित थे। SDM सूरज साहू ने इस मौके पर कहा कि यह बहुत खुशी की बात है कि सभी मरीज स्वस्थ होकर वापस लौट आए हैं। उन्होंने कहा कि इसका यह मतलब नहीं है कि खतरा टल गया। उन्होंने लोगों को आगे भी सावधानी बरतने की अपील की है। थाना प्रभारी राकेश ठाकुर ने कहा कि लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का उपयोग आगे भी अनिवार्य रूप से करना पड़ेगा, तभी शहर को कोरोना मुक्त रखा जा सकता है। उन्होंने शहरवासियों को कोरोना के प्रति सावधानी बरतने को अपनी दैनिक दिनचर्या में शामिल करने की सलाह दी। वही नगर पालिका CMO भूपेंद्र उपाध्याय ने जानकारी देते हुए बताया कि उनके द्वारा पूरे शहर को डोर टू डोर सर्वे किया गया, जिसमें केवल 34 लोगों को सर्दी खांसी की शिकायत सामने आई। इसके अलावा बाहर से आए 5 लोगों को क्वारंटाइन सेंटर में रखे जाने की जानकारी दी। उन्होंने शहर को कोरोना मुक्त होने पर शहरवासियों को बधाई देते हुए शहर की खुशहाली के लिए सभी लोगों को नियम का पालन करने की हिदायत भी दी। DNX TV के लिए नवापारा राजिम से विश्वेश्वर हिरवानी की रिपोर्ट।